नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। हाँ तो नमस्कार, आज हम लोग आए हैं स्त्रोनद इंडस्ट्री कुछ विद्यालय दुनिया में। आपको आज यहाँ का स्थिति को दिखाते हैं कि स्कूल की स्थिति क्या है, विद्यालय की स्थिति क्या है। आप पहले आपको इस चीज़ को दिखाते हैं, यहाँ के प्रिंसिपल से मिलेंगे, यहाँ के जो अब स्कूल का निरीक्षण करता अध्यक्ष जो डायरेक्टर है उनसे मिलाएंगे, उनसे बात करते हैं हम लोग। तो आज आपको दिखाते हैं कि स्कूल की स्थिति क्या है। कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि गेट के रिश्ते को दिखाएं आप, गेट की स्थिति क्या है। देख सकते हैं गेट में कभी ताला लगती है और में कभी गेट का ये मरम्मती किया जा रहा है। आते हैं आप देख सकते हैं झंडा तोलन वाले जगह को भी आपको दिखाते हैं। कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि हम जगह पर फहराया गया था जो कि पूरा स्कूल की स्थिति दयनीय है। आप इधर देख सकते हैं पूरा स्कूल का कचरा पूरा भरा हुआ है, आप इसको दिखा सकते हैं। इधर आप आइए, आपको हम दिखाते हैं इधर स्कूल की दयनीय स्थिति क्या है। देख सकते हैं ये स्कूल की बरामदा है, आप आइए, अच्छी नहीं हुई है स्कूल। मास्टरों और टीचरों, ये शिक्षा का विद्यालय है लेकिन ये शिक्षा का मंदिर है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा का महत्व कुछ नहीं है। प्रिंसिपल ये पूरा विद्यालय देख सकते हैं, विद्यालय की, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल का पूरा कुछ ध्यान नहीं है। बट आज तक कंप्लेन वगैरह किसी का भी कुछ आया नहीं। आप पीछे देखें, हम दिखा सकते हैं बरामदा को, दिखाइए क्या स्थिति है इसकी। और इधर दिखाई गिट्टी है, पूरा पूरा कचरा भरा हुआ है, यहाँ पे सप्ताह गड्ढा तक नहीं है। यहाँ पे प्रिंसिपल का इस पर ध्यान नहीं। ये देख सकते हैं ये भी एक कमरा है जिसमें देख सकते हैं शौचालय, यहाँ रहते हुए देख सकते हैं ये सब यहाँ पे किया गया है। शौचालय की स्थिति को दिखाएं आप, इधर भी देख सकते हैं, कैमरा मैन सागर दूंगा तो दिखाएं। ये शौचालय है, यहाँ लगता है कभी खुला ही नहीं, देख सकते हैं। ये इसको दिखाएगा, ये कभी ये खुला ही नहीं है लगता है, ये शौचालय पूरा पूरी तरह बंद है। ये क्या स्थिति है इसकी। मैं आप इधर भी बात कीजिए, इसको भी दिखाएगा, देख सकते हैं कितना पुराना, कितना पूरा भरा हुआ है पूरा। ये इसमें अभी तक किसी का ध्यान नहीं है, ये तो दिव्यांगों के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका भी यही स्थिति है, पूरा दयनीय है पूरा स्कूल का स्थिति। और आप इधर दिखा सकते हैं, कारण नहीं हुआ, देख सकते हैं आप। स्कूल की जैसे स्कूल 6 तारीख से बच्चों को बुलाने के लिए किया गया है, तब से निरंतर साफ सफाई जारी है एवं कुछ जगह पर रह गया है जहाँ बरसात की वजह से साफ कराते हैं, फिर भी बढ़ जा रहा है, वो भी देख के साफ कराया जाए। और सर ये शौचालय की स्थिति पूरा दयनीय है, आपके पीछे ऑफिस के पीछे भी हाथा बीस पर गिरा हुआ है और लगभग बहुत दिन से गिरा हुआ है, लेकिन इसपे नहीं। आप इसके लिए जैसे हमारे पास इसके सूचना विभाग को दी गई है, जब परीक्षा कंडक्ट होना था यहाँ सेंटर पड़ा था, तो मैंने विभाग को इसको सूचना दिया था, तो उसके बाद से फिर काम कराने का रहा था। एक विकास फंड था जिसमें मेरा देने के बाद भी लगातार 2-3 DO पर बदले, तो देने के बाद भी मेरा नाम अभी तक उस खाते से ऐड नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उससे पैसा निकासी करने ही काम चलाया जा सका। जी अभी कुछ दिन पहले आप विद्यालय प्रबंधन समिति का चयन करवा रहे थे, जिसमें कि कुछ ग्रामीणों के द्वारा आक्रोशित ग्रामीण व्यक्त किए इस विद्यालय की स्थिति अच्छी नहीं है और यहाँ प्रबंधन समिति का चयन नहीं हो सकता है जब तक विद्यालय की स्थिति नहीं सुधरेगी। और लोगों का आपका यहाँ स्कूल के जो डायरेक्टर हैं अध्यक्ष हैं कपिल प्रसाद,
उनके द्वारा भी कहना था कि स्कूल में 4,62,000 का ये आया था, उसमें भी आप स्कूल मतलब स्थिति को नहीं सुधार सके, क्या सर ये क्या है? बात ऐसी है कि पैसा जरूर आया था, उसमें से कुछ पैसा लैब अधिष्ठापन से संबंधित था, जो कि यह कहे कि मैं एक साल हुआ भी नहीं है प्रभार जब से ग्रहण किया हूँ तब से लेकर निरंतर लॉकडाउन की स्थिति रही है, उस कारण से भी काम नहीं कराया जा सका। और पैसा रिफंड करने की रही बात, तो पैसा रिफंड करने के ऊपर से आदेश थे जिसके वजह से हमें रिफंड करना पड़ा। और काम में अध्यक्ष महोदय का हमेशा मेरा सहयोग रहा है, ऐसी बात नहीं है, सहयोग की भावना उनके अंदर भी कम है। मैंने कई बार उनको मौखिक और लिखित तौर पर भी कहा है, जिसके बाद से वो नहीं हमारा सहयोग किए। जी जी, और इस बात से मैं आपको बताना चाहते हैं, ये इनका कंप्लेन आया था, आप उस दिन यहाँ पे ये हो रहा था, प्रबंधन समिति का चयन हो रहा था, और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, अध्यक्ष हैं, उनका कहने का मतलब था कि मैं विद्यालय क्लास मतलब क्लास का निरीक्षण करने में जब गया, तो वहाँ पे टीचर के मतलब द्वारा उनका मतलब व्यवहार भी गलत किया गया था सर। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं, हमारे शिक्षक भी ऐसे नहीं है जो गलत व्यवहार कर सकते हैं। जैसे अचानक आप ही आए हमारे पास और डायरेक्ट एंट्री किए, है ना, बस यही बात वो चीज़ कहे थे कि सर क्या है कि थोड़ा सा हम पढ़ा रहे थे, हमारे और बच्चों के बीच में जो ये है तालमेल बना हुआ था, आप थोड़ा सा गेट नॉक कर देते तो हम समझ जाता हम ही खुद बाहर आ जाते तिरा करके, ठीक ना। ये बात हुई थी डॉक्टर पांडे के साथ। और रही बात अध्यक्ष महोदय का, तो अध्यक्ष महोदय मेरे ख्याल से, मैं बहुत साल से पहले तो नहीं हूँ, 2.5 साल आया हूँ, इनका कार्य के प्रति पहले से क्या रहा है ये नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे प्रभार ग्रहण करते ही जिस तरह से मनमानेपन के हिसाब से चलता रहा था या जो भी हुआ था, उस तरह के मैंने नहीं कर पाया। एक ऐसा लगा मुझे कि वित्त का मामला में जवाबदेही मेरी होती है बहुत ज़्यादा, और मनमाने तरीके से खर्च जो होता रहा है या हुआ है पहले से, उसमें मैं उतना हार्ड रिस्क नहीं ले पाया, मैं अंदर से डरा और बोलने लगे। और जैसे विद्यालय प्रबंधन समिति की रही बात, तो कार्यों में असहयोग तो रही ही, या मुझे व्यवहार करने की कला नहीं थी या उनके द्वारा, लेकिन इतना तय है कि जब से प्रबंधन समिति का गठन हुआ SMDC का, तब से लेके अभी तक महोदय का, अध्यक्ष महोदय का एक भी बच्चा इस स्कूल में पास आउट नहीं हुआ है, मतलब कि 9वां 10वां 11वां 12वां में इनका बच्चा नहीं पढ़ा है। जब से अध्यक्ष बने हैं तब तक मेरे नामांकन पंजी अभिलेख में एक भी ऐसा नाम नहीं मिला मुझे, सालों से या जब से लगा है तब से, जब से मैं प्रभार ग्रहण किया हूँ जी सर, मैं तब से यह गेट जो है पुरानी ही स्थिति में है, जिस स्थिति में वही स्थिति में है। कुछ लोग कहे कि आप SMDC का बैठक नहीं कराए, अध्यक्ष को बुलाए नहीं, सचिव जो है, जबकि ये ज्ञातव्य है, यह चीज जान मैंने ये मैंने स्वतः ज्ञात है कि हर महीने की 25 तारीख को SMDC की बैठक होनी चाहिए। और जब से मैं प्रभार भी छोड़िए, जब से मैं विद्यालय में ज्वाइन किया हूँ तब से अभी तक केवल एक बार मैं ही बैठक आहूत किया था, उसके पहले कभी भी बैठक नहीं की गई थी। और रही बात इधर बुलाने की, तो लॉकडाउन के वजह से कई हम लोगों का रिस्ट्रिक्शन था, जिसके वजह से सभा आयोजित इत्यादि नहीं करना था। अभी भी देखिए प्रबंधन समिति का गठन हो रहा था, उससे में भी है कि बच्चों को प्रेयर नहीं कराना है, एक कोविड का इतना लंबा चौड़ा गाइडलाइन है कि उसको हमको फॉलो करना पड़ा। कुछ लोग का ये भी ये था आरोप था कि बच्चों को या अभिभावक को इत्यादि को आप निमंत्रण नहीं दिए, तो मेरे निमंत्रण नहीं देने का पीछे भी यही वजह रहा था, जिसके चलते किसी न किसी प्रकार से कोविड गाइडलाइन का ये न हो जाए और मेरे ऊपर गाज न मिले। जी सर, जैसा कि आपने भी बोला कि गेट विगत 15 सालों से 15 साल नहीं 15 साल जी, मैं जब से
मैं जब से ये विद्यालय में आया हूँ तब से जी। और विकास की रही बात तो ये विकास भाई यहाँ आप मतलब जितने दिन से भी आए आपका गेट का स्थिति गेट का वही स्थिति था, गेट खुला भी रहता था जी। और खुला रहने का मुख्य वजह देखिए एक मेरा नहीं है, एक दो बार कोशिश किया गया है गेट बंद रखने का और बंद किया भी गया है। तो देखिए हमारा तीन यहाँ पर इस कैंपस में है, एक मेरा है, एक उसका है का मिडिल सेक्शन है और एक बीआरसी है। तो आने में तो हम लोग टाइम से आते हैं खोलते थे, लेकिन जाने में बीआरसी जो है सो टाइम से कभी बीआरसी का कार्य 5 बजे 6 बजे तक शाम तक होता है, जिसकी वजह से बीआरसी के द्वारा भी इसमें ढीला सी बरती गई है क्योंकि हम गेट बंद करके तो नहीं ही जा सकते थे। और कुछ मान लीजिए शराब उधर फेंकी जाती है तो उसका मुख्य वजह गेट खुलना या गेट बंद होना नहीं है, बल्कि उस तरह के आदमी छोटा बाउंड्री के वजह से बाउंड्री वाल फांद कर भी आते जाते हैं जी। सर ठीक है, लेकिन आप जब से आप प्रभार लिए हैं, जब से इस विद्यालय में आप प्रिंसिपल बने हैं, आपके पास 4,62,000 का कोष तो था, आप चाह सकते थे तो इस विद्यालय की सुधारीकरण करवा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपने आपने जब प्रबंधन समिति का चयन हुआ था उस दिन आप बोले थे कि नहीं कि मेरे पास कोरोना की वजह से मैं COVID-19 लॉकडाउन की वजह से मैं काम नहीं करवा सका, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सर, लॉकडाउन हो रही थी। एक बात और थी जो कि बहुत बेहद आपके आप पत्रकार हैं यहाँ के हैं सम्मानित हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। एक बात ऐसी हुई थी कि हमको लगा कि नहीं कुछ पैसा इधर उधर हो सकता था, SMDC का अभी भी पूर्ण प्रभाव मुझे नहीं मिला है, मुझको कैश रूट नहीं मिला है, MB नहीं मिला है, SMDC बैठक पंजी नहीं मिला है जो पूर्व में प्रभावित थे उनके द्वारा, केवल चेकबुक मिला है और बैंक अकाउंट का पासबुक होता है वो मिला है ठीक न। और एक बात और थी कि एक बार का स्थिति था कि मैंने मुझको ऐसा लगा कि कुछ पैसा इधर उधर गड़बड़ी किया जा सकता है ठीक ना, तो किसी अज्ञात सूत्र के माध्यम से ऐसा लगा या हमको खुद से अनुभूति हुई कि पैसा पड़ा हुआ है भाई प्रभार हम हैं लेकिन हमारे पास SMDC नहीं है ठीक ना, ये वित्तीय प्रभार नहीं है। तो उस स्थिति में मेरा नाम जो है सो ऐड नहीं हुआ था अकाउंट में ठीक ना, अकाउंट में नहीं ऐड हुआ था लेकिन बिल्डिंग वर्क के लिए था तो ये लोग हमने अकाउंट को फ्रीज कराया था कि नाम ऐड होगा फिर जो होगा होगा आगे की कार्रवाई। लेकिन मेरे अकाउंट फ्रीज करने के बाद भी अध्यक्ष महोदय के द्वारा और पूर्व SMDC के द्वारा जो है विद्यालय वो जो SMDC कोर्स होता है उससे 20,000 रुपये की निकासी की गई जी। तो फिर उस निकासी के बाद मुझको मैनेजर को फोन किए कि भाई क्यों निकासी की गई सर, अकाउंट तो फ्रीज था लेकिन देखिए ना हमारा कैशियर नहीं था लिंक पर कैशियर था लिंक पर था, हम लोग पूर्व परिचित थे अध्यक्ष महोदय इत्यादि से तो इसमें दे दिए और कैसे किया इसमें भी मांगा जाता। मैंने 2 बार ऐसा रिपोर्ट दिया है, एक बार तो दिया कि डिपोर है, एक बार दिया कि डिपोर नहीं है, डिपोर है तो जल मीनार की आवश्यकता है क्योंकि जल मीनार जो ग्रांट के फंड से नहीं बनाया जा सकता, कम पैसा होता है, जल मीनार के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए तो वो सरकार उसको बनवा रही है, हर स्कूल में बनवा रही है प्रायोरिटी के हिसाब से स्ट्रेंथ के हिसाब से तो प्रक्रियाधीन है। और इसमें भी देखिए 200 शौचालय को हम साफ सुथरा बताते हैं कि 200 शौचालय ठीक है, अभी लगातार मतलब बना हुआ है, कोविड लॉकडाउन लगा हुआ था, 6 तारीख से स्कूल चल रहा है। और दूसरी बात कि हमको बच्चों को बुलाने का जबरदस्ती भी नहीं है, एक सूचना मैंने दे सकता हूँ जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से मैं बच्चों तक किया जाए। मैंने उस स्थिति में इन लोग से संपर्क किया, कोशिश किया कि इसका मामला निपटाना हो जाए और विद्यालय का कार्य रुकना नहीं चाहिए, तो फ्लोरिंग इत्यादि के लिए मैंने 3,000 रुपये उसके अध्यक्ष महोदय के सामने दिया इनको। तो एक बड़ी वजह रही, एक अविश्वास जैसी स्थिति बन गई फिर मेरे अंदर कि मैंने अकाउंट फ्रीज कराया फिर भी इनको खाते से पैसे की निकासी कर ली गई, तो थोड़ा सा अविश्वास बना और वित्त का मामला है इसलिए मैं बहुत डरता हूँ क्योंकि पहले से भी कई मद के पैसे पड़े हुए थे और उसमें कार्य होना बाकी था, प्रक्रियाधीन था कहिए। और इसमें हुआ ये कि हमको भी जानकारी नहीं थी कि पैसा इस तरह से रिटर्न चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के बाद इस तरह से सभी विद्यालयों से किसी से कुछ आपका मिडिल सेक्शन से भी 5.5 लाख रुपया
रिटर्न गया है, तो इस तरह से पैसा रिटर्न गया है। उसके लिए रही बात का पैसा रिटर्न चला गया, वो परमानेंट रिटर्न नहीं गया है, वो एक व्यवस्था के तहत उसको मांगा गया है अभी, और पुनः पैसा वही पैसा फिर से लिया जाएगा। जी, तो ये आपका मतलब अध्यक्ष महोदय का ये भी कंप्लेन था, उस दिन ये इस बात को बोला था कि प्रिंसिपल राजीव रंजन द्वारा कहा गया था कि आप 2% ले लीजिए इसमें सिग्नेचर। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। अपना देखिए, अपना कमी कोई नहीं बताता है। अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये भी बताया जाता कि मैं विगत जितने साल से अध्यक्ष हूँ उतने साल से मेरा कोई बच्चा नहीं पढ़ा है। ये एक तरफा बात हो गई है, तो वो हो गया कि भाई यहाँ पर हम अकेले हैं और जैसे मन वैसे बोल दिया जाए, जैसे मन वैसे सब ग्रामीण। नहीं, ये सर आपकी सोच गलत, क्योंकि यहाँ पे आपके सहयोगी शिक्षक थे, पूरे ग्रामीण थी, पूरे ग्रामीण जनता थी, आप भी वहाँ पे थे, आपके जिला अधिकारी जो शिक्षक जो भी थे वो भी वहाँ पर थे। उनके सामने उन्होंने बोला था कि प्रिंसिपल द्वारा हमसे 2% पैसा नहीं, ये सब आरोप है, समझ गए, ये सब आरोप है पहला चीज। और दूसरी चीज रही पानी वाली की बात किया गया है, चाहे ये शौचालय की बात की गई है, तो शौचालय और पानी से संबंधित रिपोर्ट जब भी मांगा जाता है हमसे, जैसे खासकर परीक्षा वगैरह के समय में मांगा जाता है, तो या बीच बीच में भी। बात यह है कि मैं सचिव हूँ विद्यालय का, एज ए प्रधानाध्यापक, आप ऑल इन ऑल नहीं है। जैसे कल उस दिन पढ़ा गया था कि इसमें कौन सदस्य जो है सो कब तक के लिए क्रियाशील रहेगा, तो निरंतर 3 मीटिंग में अनुपस्थित रहने वाले स्वयं उनका सदस्यता समाप्त मानी जाएगी, तो मानी जाएगी तो नियमावली है उसका, तो तमाम नियमावलियाँ हैं, तो आप समझ जाइए कि क्या क्या इसमें नियमावली है। और उस नियमावली में पहला ये है कि उनके बच्चे अभिभावक जो भी हैं विद्यालय में अध्ययनरत, तो इनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये कर देंगे ऐसा, इसीलिए इन्हीं को रास्ते से कि कोई उपाय करो हटाओ। तो हम अध्ययन के लिए तैयार भी हैं, हम तो बोले भी कई बार कि हमको कोई लोभ लालच नहीं है इससे, और जैसा आपकी इच्छा है वैसा कीजिए, हम खुद हट जाएंगे, लेकिन कहिए था कि हाँ हट जाइए आप। जैसे उस दिन फरीद खान जी ने कहा कि आप प्रभात से रिजाइन कर। जी सर, बिना गलती को किसी को हटाया नहीं जा सकता है, आप एक शिक्षक हैं, आप हम पूर्वक जानते हैं। जैसे आप आपका क्या नाम हुआ जी? अनुप कुमार, यही घर है ना। जैसे मेरे ऊपर बताया कि इतना इतना तरह के एलिगेशन लिखा है, कि इस तरह के लिखा है, इस तरह के, तो मैं तमाम एलिगेशन का जवाब दिया हूँ, विभाग के द्वारा जवाब पूछा गया था, ऐसी बात नहीं, कुछ बीओ के द्वारा पूछा गया, कुछ डीओ कार्यालय से पूछा गया, जहाँ से भी आया लेटर पूछा गया, जिसमें मैंने पूरे पारदर्शी तरीके से कहा कि मैं इस काम को ऐसे ऐसे होने से इस तरह की व्यवहार उपस्थित हो सकती है, इसी वजह से ये काम ये मैंने नहीं किया, या ये कि मैंने किया या कर रहा हूँ, तो उस पर यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कार्रवाई भी नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कोई आरोप लगा है, अगर उस आरोप को स्पष्टीकरण के माध्यम से निराधार कर दिया गया, तो उसमें मेरा क्या दोष है बताइए। जी सही, बिल्कुल, लेकिन कुछ आरोप आप में भी आया था कि आप आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं? अभी विद्यालय में नामांकन चल ही रहा है, तो जी ये तो आप बोल रहे हैं अभी कि चल रहा है, लेकिन कुछ कंप्लेन आया था कि आप विद्यालय में नामांकन बंद कर दें आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने विद्यालय में नामांकन बंद नहीं किया, नामांकन अभी कर रहा हूँ, ठीक ना। हाँ, नामांकन जैसे हमको 5 विद्यालय है प्रखंड में, तो 5ों के HM से मीटिंग या मिलना जुलना या बातचीत होते रहना होता है, ठीक ना। तो राज की जितना जैसे रनपुरा हो गया, डोल हो गया, आपका बरवाडी हो गया इत्यादि विद्यालय जो है, वहाँ पर ये हुआ है कि उन्होंने कहा, HM लोगों ने कहा कि सर हमारे यहाँ 6 टीचर हैं, आपके पास विद्यालय में बच्चे पहुँच जा रहे हैं, आप क्यों नहीं करते हैं कि अपना पोषक क्षेत्र को ही लीजिए एडमिशन, बाकी कुछ तो हम लोग को बचने दीजिए, नहीं तो आने वाला आने वाला समय में स्कूल को मर्जर कर दिया जाएगा मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल की तरह। प्राइमरी स्कूल में पहले भी इसी तरह की कक्षाएँ चलती थी, एक ही बच्चा का 3 जगह नामांकन हो जाता था, और वह बच्चा जब ये आधार कार्ड के माध्यम से लिंकअप हुआ तो पता चला कि बहुत ही स्ट्रेंथ कम है, वैसी स्थिति में विद्यालयों की मर्जर कर दिया गया, दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दिया गया। तो लोगों ने ऐसी आशंका जताई थी कि आने वाला समय में मर्ज कर दिया जाएगा, इसलिए कुछ न कुछ स्ट्रेंथ तो हमारे पास भी आए, सर आप कुछ तो बच्चा जो कि हमारे पोषक क्षेत्र का है उनका एडमिशन कम लेना शुरू कीजिए। फिर भी मैंने पहले जैसे मेरा ये
क्षेत्र नहीं है, पोषक क्षेत्र नहीं है, पाले मेरा पोषक क्षेत्र नहीं है, रणपुरा नहीं है, और खुरी नहीं है, ना डोल नहीं है, राजवास नहीं है, तो इत्यादि गांवों में मैंने कुछ कुछ बच्चों का तो नामांकन लिया ही हूँ, कुछ बच्चों को ये कहा कि आपका कम से कम अपना पोषक क्षेत्र में नाम लिखवाइए, तो उससे ये होगा कि मैंने समझाते हुए कहा है, इसको दूसरे तरीके से लोगों को डिफाइन कर रहे हैं। और रही बात इंटर का, तो इंटर में तो अभी एडमिशन शुरू नहीं हुआ, मार्कशीट आएगा तो एडमिशन लेना शुरू भी कर दिया जाएगा, लेकिन इंटर में मेरा पूरा प्रखंड है, इसलिए मैं किसी भी प्रखंड के किसी भी जगह से एडमिशन लूंगा और लिया जाना भी चाहिए। जी सर, ठीक है, लेकिन अभी एक लड़की का कंप्लेन आया था जो कि आपके द्वारा, आप लड़की से आप मतलब ये टेंथ का जब आप ये कर रहे थे तो कितना फी ले रहे थे? टेंथ का फी जो पूर्ववत लिया जाता था वही लिया गया है जी। हाँ, मैंने विभाग से मार्गदर्शन मांगा था, नहीं मिला गया, नहीं मिला, उसके वजह से जो पहले से लिया जाता था। एक बच्ची थी इधर से दिया की, उनका कहना था, मैं परसों उनके पास गया था, उनके पास मिला था, उनका कहना था प्रिंसिपल साहब हमसे मेरे घर आए, 201 कम हो रहा था 100, उसमें भी उन्होंने जबरदस्ती मांगा कि नहीं आप 100 दीजिए, हमको राशि जानी है, ये आपके ऊपर। नहीं 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 नहीं, ये सब बात नहीं है, ठीक ना, ये सब। आप सर इस विद्यालय की स्थिति आप सर कब तक ठीक कर पाओगे? सर विद्यालय की स्थिति जैसी ग्रांट का पैसा आएगा, ग्रांट का पैसा तो मांगा ही आएगा। अब रही बात रंग रोगन की, कुछ बार लोग बात कर रहे थे, तो रंग रोगन तो बरसात के बाद संभव हो सकेगा, अभी कराएंगे भी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना, फिर वही काला पड़ जाएगा, इसलिए बरसात के जैसे कुवार उवार महीना आने लगेगा रंग रोगन का काज किया जाएगा। जी धन्यवाद। आपका नाम परिचय सर? मैं राजीव रंजन तिवारी, PGT हूँ हिंदी में, और मुझे अक्टूबर 22 तारीख को, अक्टूबर में मतलब अक्टूबर महीना खत्म ही प्रभार देते देते तक नवंबर आ गया था, मैं प्रभार मिला है, तब से लगातार विद्यालय लॉकडाउन एक दो महीना के लिए उधर खुला था, प्रैक्टिकल का एग्जाम चल ही रहा था उसी समय, फिर लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से फिर अधिक जुलाई में 6 जुलाई से खोला गया है, तो बिल्कुल मैंने बंद ही था, कुछ दिन ऑफिस वर्क के लिए हम लोग के आना था तो आते थे, जी। धन्यवाद सर, आपने प्रिंसिपल की बातों को सुना, अब हम लोग बात करते हैं इस विद्यालय के जो डायरेक्टर हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या राय है वो इस विद्यालय के बारे में, प्रिंसिपल साहब के बारे में। बात नहीं है, किसी से वैसे कुछ नहीं लिया गया है, रांची जाना था तो मैं कागज लेने जरूर गया था, कागज तो कई जगहों से लिया हूँ, और चमक चुकी जाना था इसलिए रांची जाना था, हमको ओरिजिनल कागज नहीं, जैसा कि फॉर्म भरने में बच्चे लोग लगाते हैं, तो री रजिस्ट्रेशन वाला मामला था, तो री रजिस्ट्रेशन वाला जिले में सभी को सूचित किया गया था, तो जैसे तैसे कलेक्ट करके लोग उसको पहुंचाए थे, काम किए थे। जी सर, आपने जातिवाद का भी शब्द उपयोग किया गया आपके द्वारा, लोगों जिस तरह बात कर रहे थे लोग ग्रामीण उस दिन विद्यालय प्रबंधन समिति के चयन हो रहा था, उस दिन लोगों का कहना था कि प्रिंसिपल साहब ने जातिवाद का भी बात किया है, ऐसी बात जैसे जिस तरह के माहौल है आपको तमाम बताया तो कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा कि हमारे खिलाफ किस किस तरह की, मतलब कि आपको पहला तो यही लगा होगा कि अध्यक्ष का और हमारे बीच में तालमेल इस कारण से नहीं है, दूसरी बात आप मीडिया है, ठीक ना, दूसरी बात मैंने जो व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों के बीच में जो मैसेज प्रसारित किया है उसमें ऐसा जाति सूचक कहीं भी शब्द नहीं बोला है, और अफवाहों पर कृपया करके अगर किसी के पब्लिक के बीच में यह अफवाह गई होगी कि ऐसा कहा है तो मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरे तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, और ये भावना निकाल ही दें कि आप ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं कहते, विद्यालय के बच्चों में भी जैसे कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा गया कि ब्राह्मण बात करते हैं, आप खुद समझिए कि हमारे विद्यालय में कितने ब्राह्मण के छात्र पढ़ते हैं कि मैं बात चलाता हूँ यहाँ, जो एक भी ब्राह्मण के बच्चे नहीं है, एक भी नहीं है, तो मैं किसके साथ बात करता हूँ ऐसा, है ना, तो ये भावना है, इसको कृपया करके तूल नहीं दिया जाए, और लोगों में तरह तरह की अफवाहें उड़ती हैं, उड़ सकती हैं, इसलिए आप इसको ये नहीं किया जाए, अगर 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 लोगों में गई भी है इस तरह की बात, पहले तो मैंने कहा नहीं, अगर गई भी है तो मैं इसके लिए एक बार फिर पूरी जनता के सामने मैं क्षमा मांगता हूँ कि इसके लिए कि किसी के
द्वारा यदि कह भी दिया गया तो मैं एक बार पुनः क्षमा मांगता हूँ कि ऐसा मैंने नहीं कहा, और लगता होगा कि उन्होंने कहा होगा, ब्राह्मण बाद कहा होगा, तो मैं क्षमा मांग रहा हूँ। और रही बात अध्यक्ष महोदय का, तो अध्यक्ष महोदय मेरे ख्याल से, मैं बहुत साल से पहले तो नहीं हूँ, दो ढाई साल आया हूँ, इनका कार्य के प्रति पहले से क्या रहा है ये नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे प्रभाव ग्रहण करते ही जिस तरह से मनमानेपन के हिसाब से चलता रहा था या जो भी हुआ था, उस तरह के मैंने नहीं कर पाया। एक ऐसा लगा मुझे कि वित्त का मामला में जवाबदेही मेरी होती है बहुत ज़्यादा, और मनमाने तरीके से खर्च जो होता रहा है या हुआ है पहले से, उसमें मैं उतना हार्ड रिस्क नहीं ले पाया, मैं अंदर से डरा और बोलने दिए। और जैसे विद्यालय प्रबंधन समिति की रही बात, तो कार्यों में असहयोग तो रही ही, या मुझे व्यवहार करने की कला नहीं थी या उनके द्वारा, लेकिन इतना तय है कि जब से प्रबंधन समिति का गठन हुआ SMDC का, तब से लेके अभी तक महोदय का, अध्यक्ष महोदय का एक भी बच्चा इस स्कूल में पास आउट नहीं हुआ है, मतलब कि 9वां 10वां 11वां 12वां में कहीं का बच्चा नहीं पढ़ा है। जब से अध्यक्ष बने हैं तब तक मेरे नामांकन पंजीय अभिलेख में एक भी ऐसा नाम नहीं मिला मुझे 7-8 सालों में, इसमें कि इनका बच्चा पढ़ता हो, जो कि इसकी मैंने प्राथमिक पहली शर्त है कि बच्चा वही रहेगा जो प्रबंधन समिति में अध्यक्ष वही रहेगा जिनका बच्चा यहाँ पढ़ता हो। और ये चुनाव जो हो रहा है ये केवल मेरे विद्यालय का नहीं है, प्राय सभी जिले के सभी स्कूलों में हो रहे हैं, क्योंकि आदेश जो है यह राज्य स्तर से प्राप्त हुआ था। जी सर, मैं आने से पहले गेट पर देखा, स्तरोन्नत उच्च विद्यालय चिन्ह लिखा हुआ है जो कि ये +2 विद्यालय। बिल्कुल, तो आपने अभी तक बोर्ड को क्यों नहीं सुधारा सर? जैसे ये बोर्ड को सुधरवाया जा सकता था, हम प्रभार ग्रहण किए थे उससे पहले से स्तरोन्नत +2 उच्च विद्यालय था, तो इसकी जवाबदेही जैसे मेरे ऊपर लग रहे हैं कि आपने काम नहीं कराया, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, गेट नहीं बनवाया। गेट विगत 15 सालों से, या जब से लगा है तब से, जब से मैं प्रभार ग्रहण किया हूँ जी सर, तब से यह गेट जो है पुरानी ही स्थिति में है, जिस स्थिति में वही स्थिति में है। कुछ लोग कहे कि आप SMDC का बैठक नहीं कराए, अध्यक्ष को बुलाए नहीं, सचिव जो है, जबकि ये ज्ञातव्य है, यह चीज जान मैंने ये मैंने स्वतः ज्ञात है कि हर महीने की 25 तारीख को SMDC की बैठक होनी चाहिए। और जब से मैं प्रभार भी छोड़िए, जब से मैं विद्यालय में ज्वाइन किया हूँ तब से अभी तक केवल एक बार मैं ही बैठक आहूत किया था, उसके पहले कभी भी बैठक नहीं की गई थी। और रही बात इधर बुलाने की, तो लॉकडाउन के वजह से कई हम लोगों का रिस्ट्रिक्शन था, जिसके वजह से सभा आयोजित इत्यादि नहीं करना था। अभी भी देखिए प्रबंधन समिति का गठन हो रहा था, उससे में भी है कि बच्चों को प्रेयर नहीं कराना है, एक कोविड का इतना लंबा चौड़ा गाइडलाइन है कि उसको हमको फॉलो करना पड़ा। कुछ लोग का ये भी ये था, आरोप था कि बच्चों को या अभिभावक को इत्यादि को आप निमंत्रण नहीं दिए, तो मेरे निमंत्रण नहीं देने का पीछे भी यही वजह रहा था, जिसके चलते किसी न किसी प्रकार से कोविड गाइडलाइन का ये न हो जाए और मेरे ऊपर गाज न मिले। जी सर, जैसा कि आपने भी बोला कि गेट विगत 15 सालों से 15 साल में नहीं 15 साल जी, मैं जब से जी पर ये विद्यालय में आया हूँ तब से जी। और विकास की रही बात, तो ये विकास भाई पर आपको नहीं, आप मतलब जितने दिन से भी आए आपका गेट का स्थिति, गेट का वही स्थिति था, गेट खुला भी रहता था जी, और खुला रहने का मुख्य वजह देखिए एक मेरा नहीं है, एक दो बार कोशिश किया गया है गेट बंद रखने का और बंद किया भी गया है। तो देखिए हमारा 3 यहाँ पर इस कैंपस में है, एक मेरा है, एक उसका है का मिडिल सेक्शन है, और एक BRC है। तो आने में तो हम लोग टाइम से आते हैं, खोलते थे, लेकिन जाने में BRC जो है सो टाइम से, कभी BRC का कार्य 5 बजे 6 बजे तक शाम तक होता है, जिसके वजह से
बीआरसी के द्वारा भी इसमें ढीला सिली बरती गई है, क्योंकि हम गेट बंद करके तो नहीं ही जा सकते थे। और कुछ मान लीजिए शराब वगैरह की बोतलें इधर उधर फेंकी जाती है, तो उसका मुख्य वजह गेट खुलना या गेट बंद होना नहीं है, बल्कि उस तरह के आदमी छोटा बाउंड्री के वजह से बाउंड्री वाल फांद कर भी आते जाते हैं। जी सर, ठीक है। लेकिन आप जब से आप प्रभार लिए, जब से इस विद्यालय में आप प्रिंसिपल बने हैं, आपके पास 4,62,000 का कोष तो था, आप चाह सकते थे तो इस विद्यालय के सुधारीकरण करवा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने आपने जब प्रबंधन समिति का चयन हुआ था, उस दिन आप बोले थे कि नहीं कि मेरे पास कोरोना की वजह से, मैं COVID-19 लॉकडाउन की वजह से मैं काम नहीं करवा सका। लेकिन ऐसा कुछ नहीं सर, लॉकडाउन के लिए काम हो रही थी। एक बात और थी जो कि बहुत बेहद, आपके आप पत्रकार हैं, यहाँ के हैं, सम्मानित हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। एक बात ऐसी हुई थी कि हमको लगा कि नहीं कुछ पैसा इधर उधर हो सकता था। SMDC का अभी भी पूर्ण प्रभाव मुझे नहीं मिला है, मुझको कैश बुक नहीं मिला है, MB नहीं मिला है, SMDC बैठक पंजी नहीं मिला है जो पूर्व में प्रभावित थे उनके द्वारा, केवल चेकबुक मिला है और बैंक अकाउंट का जो पासबुक होता है वो मिला है, ठीक ना। और एक बात और थी कि एक बार का स्थिति था कि मैंने, मुझको ऐसा लगा कि कुछ पैसा इधर उधर गड़बड़ी किया जा सकता है, ठीक ना। तो किसी अज्ञात सूत्र के माध्यम से ऐसा लगा, या हमको खुद से अनुभूति हुई कि पैसा पड़ा हुआ है भाई, प्रभार हम हैं लेकिन हमारे पास SMDC नहीं है, ठीक ना, ये वित्तीय प्रभार नहीं है। तो उस स्थिति में मेरा नाम जो है सो ऐड नहीं हुआ था अकाउंट में, ठीक ना, अकाउंट में नहीं ऐड हुआ था, लेकिन बिल्डिंग वर्क के लिए था तो ये लोग, हमने अकाउंट को फ्रीज कराया था कि नाम ऐड होगा फिर जो होगा होगा आगे की कार्रवाई। लेकिन मेरे अकाउंट फ्रीज करने के बाद भी अध्यक्ष महोदय के द्वारा, पूर्व SMDC के द्वारा जो है विद्यालय जो SMDC कोर्स होता है उससे 30,000 रुपये की निकासी की गई जी। तो फिर उस निकासी के बाद मुझको मैनेजर को फोन किए कि भाई क्यों निकासी की गई सर, अकाउंट तो फ्रीज था, लेकिन देखिए ना हमारा कैशियर नहीं था, लिंक कैशियर था, लिंक फेल था, हम लोग पूर्व परिचित थे अध्यक्ष महोदय इत्यादि से, तो इसमें दे दिए और कैसे किया जाए। मैंने उस स्थिति में इन लोग से संपर्क किया, कोशिश किया कि इसका मामला निपटाना हो जाए और विद्यालय का कार्य रुकना नहीं चाहिए, तो फ्लोरिंग इत्यादि के लिए मैंने 3,000 रुपया उससे अध्यक्ष महोदय के सामने दिया इनको। एक बड़ी वजह रही, एक अविश्वास जैसी स्थिति बन गई फिर मेरे अंदर कि मैंने अकाउंट फ्रीज कराया, फिर भी इनको कहा गया जो है खाते से पैसे की निकासी कर ली गई, तो थोड़ा सा अविश्वास बना। और वित्त का मामला है इसलिए मैं बहुत डरता हूँ, क्योंकि पहले से भी कई मद के पैसे पड़े हुए थे और उसमें कार्य होना बाकी था, प्रक्रियाधीन था कहिए, और इसमें हुआ ये कि हमको भी जानकारी नहीं थी कि पैसा इस तरह से रिटर्न चला जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के बाद इस तरह से सभी विद्यालयों से किसी से कुछ आपका मिडिल सेक्शन से भी 5.5 लाख रुपये रिटर्न गया है, तो इस तरह से पैसा रिटर्न गया है। उसके लिए रही बात का पैसा रिटर्न चला गया, वो परमानेंट रिटर्न नहीं गया है, वो एक व्यवस्था के तहत उसको मांगा गया है अभी, और पुनः पैसा वही पैसा फिर से लिया जाएगा जी। तो ये आपका मतलब अध्यक्ष महोदय का ये भी कंप्लेन था उस दिन, ये इस बात को बोला था कि प्रिंसिपल राजीव रंजन द्वारा कहा गया था कि आप 2% ले लीजिए इसमें सिग्नेचर। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। अपना देखिए, अपना कमी कोई नहीं बताता है। अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये भी बताया जाता कि मैं विगत जितने साल से अध्यक्ष हूँ उतने साल से मेरा कोई बच्चा नहीं पढ़ा है, ये एक तरफा बात हो गई है। तो वो हो गया कि भाई यहाँ पर हम अकेले हैं और जैसे मन वैसे बोल दिया जाए, जैसे मन वैसे सब ग्रामीण। नहीं, ये सर आपकी सोच ही बदली, क्योंकि यहाँ पे आपके सहयोगी शिक्षक थे, पूरे ग्रामीण जनता थी, आप भी वहाँ पे थे, आपके जिला अधिकारी जो शिक्षक जो भी थे वो भी वहाँ पर थे, उनके सामने उन्होंने बोला था कि प्रिंसिपल द्वारा हमसे 2% पैसा नहीं, ये सब आरोप है, समझ गया, ये सब आरोप है पहला चीज। और दूसरी चीज रही पानी वाली के बात किया गया है, चाहे ये शौचालय की बात की गई है, तो शौचालय और पानी से संबंधित रिपोर्ट जब भी मांगा जाता है हमसे,
जैसे खासकर परीक्षा वगैरह के समय में मांगा जाता है तो, या बीच बीच में भी मांगा जाता है। मैंने दो बार ऐसा रिपोर्ट दिया है, एक बार तो दिया कि डीप बोर है, एक बार दिया कि डीप बोर नहीं है। डीप बोर है तो जल मीनार की आवश्यकता है, क्योंकि जल मीनार जो ग्रांट के फंड से नहीं बनाया जा सकता, कम पैसा होता है, जल मीनार के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वो सरकार उसको बनवा रही है, हर स्कूल में बनवा रही है प्रायोरिटी के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो प्रक्रियाधीन है। और इसमें भी देखिए दो शौचालय को हम साफ सुथरा बताते हैं कि दो शौचालय ठीक है, अभी लगातार वो मतलब बना हुआ है, कोविड लॉकडाउन लगा हुआ था, 6 तारीख से स्कूल चल रहा है। और दूसरी बात कि हमको बच्चों को बुलाने का जबरदस्ती भी नहीं है, एक सूचना मैंने दे सकता हूँ जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से मैं बच्चों तक।